1990 के म्यूजिकल हिट आशिकी के एक्टर राहुल रॉय को मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। 52 साल के राहुल कारगिल में गलवान वैली पर बेस्ट फिल्म एलएसी की शूटिंग कर रहे थे और इस दौरान उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया, जिसके बाद राहुल रॉय को जल्द ही श्रीनगर के हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। बाद में टीम ने उन्हें मुंबई लाकर नानावटी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, जहां पर अब राहुल रॉय आईसीयू में एडमिट है। राहुल के साथ एलएसी की शूटिंग पर मौजूद एक्टर निशांत सिंह मलकानी ने इंटरव्यू में बताया कि कुछ दिन पहले शूटिंग के दौरान राहुल और बाकी टीम मेंबर्स को लगा कि वो सही तरीके से बोल नहीं पा रहे। ज्यादा हालत खराब लगने पर टीम मेंबर्स ने 2 दिन पहले ही मिलिट्री हॉस्पिटल लेकर गए। वहां बताया गया कि राहुल रॉय को ब्रेन स्ट्रोक आया था, कारगिल से उन्हें श्रीनगर ले गए और वहां से मुंबई लेकर आए। निशांत ने यह भी बताया कि शेड्यूल के मुताबिक राहुल को 4 से 5 दिन की शूटिंग करनी थी, लेकिन कारगिल का मौसम अचानक खराब हो गया। वो कहते हैं, हम यहां 17 डिग्री में शूट कर रहे थे, जिसकी वजह से शेड्यूल पूरी तरह से बिगड़ गया। 4 दिन की बजाय राहुल की शूटिंग 10 दिन तक चली। इस मौसम की वजह से राहुल की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, उनको ब्रेन की सर्जरी हुई है। तो ये है पूरी सच्चाई, जहां पर राहुल रॉय को ब्रेन स्ट्रोक आया और उसके बाद वो अब आईसीयू में एडमिट है, जिसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। नेक्स्ट नाइन लाइव से रजनी की रिपोर्ट।